ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल की अध्यक्षता में पूर्णिया समाहरणालय सभागार में पूर्णिया प्रमंडल स्तर के समीक्षात्मक बैठक का हुआ आयोजन। शुक्रवार को ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार पूर्णिया में प्रमंडल के चारों जिले के विभागीय अभियंताओं के साथ समीक्षात्मक बैठक की गयी। इस बैठक में अधीक्षक अभियंता किशनगंज पूर्णिया, कार्यपालक अभियंता धमदाह, बायसी, अररिया, फारबिसगंज, कटिहार, मनिहारी, बारसोई एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान सचिव ने कार्यों की गुणवत्ता पर ध्यान देने का निर्देश दिया। कई जगहों से निर्माण कार्यों में खराब गुणवत्ता की शिकायत को लेकर उसकी जांच से संबंधित कार्रवाई करने की भी बात उन्होंने कही। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण कार्य करने का निर्देश दिया और कहा कि आगे से मेंटेनेंस कार्य जूनियर इंजीनियरों द्वारा कराया जाएगा। इसके लिए बहाली की प्रक्रिया भी की जा रही है। अप्रैल माह के अंत से निर्माण कार्यों की जांच कराई जाएगी। कार्यपालक अभियंताओं द्वारा उठाए गए समस्याओं को विभागीय स्तर पर निर्णय लेने के लिए भी आश्वस्त किया। कोई संवेदक को एग्रीमेंट कर समयबद्ध पूरा करने का निर्देश दिया। इस प्रमंडल स्तरीय समीक्षात्मक बैठक के बाद ग्रामीण कार्य विभाग सचिव पंकज कुमार पाल ने मीडिया से क्या कहा, देखिए इस विशेष रिपोर्ट में। पूर्णिया प्रमंडल के चारों जिले के कार्यपालक अभियंता, अधीक्षण अभियंतागण, सहायक अभियंतागण सभी आज की बैठक में उपस्थित थे। मुख्य उद्देश्य आज की बैठक का था कि जो रोड हमारे मरम्मती के अभाव में अच्छी स्थिति में नहीं है, उन पर तत्काल कार्य प्रारंभ कराकर उन सबको अच्छे हालत में रखा जाए। जहाँ जिस तरह का क्षरण हुआ है, रोड का नुकसान हुआ है, यदि बिटुमिनस सरफेस की ज़रूरत है तो बिटुमिन का काम कराया जाए, एग्रीगेट का काम कराया जाए, फ्लैंग को ठीक कराया जाए। हर ग्रामीण पथ को हमेशा अच्छे हाल में रखना ही विभाग का ध्येय है, लक्ष्य है। उसी के तहत आज सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि अप्रैल माह के अंदर सारे ग्रामीण पथ जो अनुरक्षण नीति के तहत आते हैं उन सब पर कार्य प्रारंभ कराकर गुणवत्तापूर्ण सड़कों का निर्माण कराएं और उसको लगातार मेंटेन रखें। दूसरा निर्देश यह भी दिया गया कि कई बार इस तरह की बात देखने में आती है कि संवेदक एग्रीमेंट करने के बाद कार्य प्रारंभ करने में विलंब करते हैं। इस तरह के सभी केसेस को कार्य प्रमंडलवार समीक्षा की गई, उनकी कार्यपालक अभियंताओं को निर्देश दिया गया कि जहाँ पर एग्रीमेंट हो गया है वहाँ पर फिजिकल प्रोग्रेस तुरंत दिखाई देना चाहिए हम लोगों को MIS पर। साथ ही काम न केवल लगा दें, युद्ध स्तर पर काम लगाकर जो उनका एग्रीमेंट में समय सीमा निर्धारित है उसके पूर्व भी कार्य प्रारंभ कर लें, और ऐसे संवेदक जो उसके पूर्व कार्य प्रारंभ करके समाप्त नहीं करेंगे उन पर डिबार रद्दीकरण, उनका कालीकरण की कार्रवाई करने का भी उन पर निर्देश दिया गया।